हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। एंड फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है 7 रिस्क ट्रेड्स पे। यानी आज मैं आपको रिस्क ट्रेड्स लेके दिखाने वाला हूँ, वो भी 7, यानी 7 रिस्क ट्रेड जो है वो लेके दिखाने वाला हूँ अपने ही अकाउंट से। यार लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। यार कुछ कमेंट्स हैं जो मैं देखता हूँ यूट्यूब मेरी वीडियोस पे देखता हूँ, और वहाँ पे जहाँ पे यार मेंशन होता है कि हमने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा यार, ये जो मार्केट है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा लॉसेस के भी चांसेस हैं। यानी यार 50-50% चांसेस रहते हैं, 50% लॉसेस के, 50% विनिंग के। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली प्रॉफिट भी कर सकते हो, लॉस भी कर सकते हो। तो आपसे नम्र निवेदन है मेरा, बहुत रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप वो पैसा इन्वेस्ट मत करो जिससे आपको लॉस होने का फियर हो। यहाँ पे आप वही पैसा इन्वेस्ट करो जो पैसा अगर आप लॉस भी कर जाते हो तो आपको फियर नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। बिकॉज आपको पता है, यहाँ पे अगर आप फियर के साथ ट्रेड करोगे तो साइकोलॉजिकली और आपके जो माइंड पे आपके जो प्रेशर होगा उसकी वजह से आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप फियरलेस ट्रेड लोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे आप कोई भी ऐसा पैसा जिससे किसी को नुकसान हो, या फिर ऐसा पैसा जिससे अगर आपको अगर वो चला जाए तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो इस तरीके की मनी यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करनी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स में देखता रहता हूँ और आपको पता है मैं ईच एंड एवरी कमेंट देखता हूँ और रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो को देख के अच्छा नहीं लगता। और डेफिनेटली उसके लिए ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम लिया आपका वीडियो में, ताकि मैं थोड़ा समझा सकूँ आपको इस चीज़ के बारे में। तो डेफिनेटली अभी जो है हम वीडियो पे आते हैं। आप वीडियो पे मेरी जो स्क्रीन है वो देख पा रहे हैं, ये वेब लॉगिन है OlympTrade का इंटरफेस, जहाँ पे आज हम लेने वाले हैं रिस्क फ्री ट्रेड। जैसा कि आपको पता है, रिस्क फ्री ट्रेड जो है वो $100 की आप ले सकते हैं अगर आप VIP एक्सेस हैं, आपके पास VIP मेंबरशिप है। तो मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दी है रिस्क फ्री ट्रेड, और हमारे पास $100 की ट्रेड लेने की परमिशन मिल गई है रिस्क फ्री। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है, क्या हम यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पे आप कितने भी मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, 6 मिनट की, यानी टाइमिंग मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट मेंशन है, फिक्स अमाउंट है, आप $100 की ही ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, $100 की 7 ट्रेड्स आप ले सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, सबसे पहले आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, जैपनीज कैंडल स्टिक्स पैटर्न को आपको अनेबल कर लेना है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो आज मैं वही स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ, अरुण स्ट्रैटेजी, जो काफ़ी हद तक लाइक अच्छी वर्कआउट कर रही है, थोड़ा अच्छा काम कर रही है स्ट्रैटेजी। तो मुझे लगता है आज भी हमें इस स्ट्रैटेजी पे ही चलना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू माय कंफर्टेबल स्टेट। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। सो अब यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइमिंग जो है वो फिक्स कर दी है, डॉलर अमाउंट जो है $100 मैंने सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, लेट्स सी। थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं अरुण इंडिकेटर को कि किस तरीके से बिहेव करता है, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द ट्रेड। एंड मैंने ये जो ट्रेड अभी, हाँ, हमारे पास जो है परसेंटेज बहुत ही कम है, तो हम चेंज करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है तो काफ़ी जो करेंसीज़ हैं वो अभी ओपन नहीं है फिलहाल के मार्केट के लिए। तो बिटकॉइन पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अप के लिए ट्रेड जो है प्लेस कर दी है। अरुण इंडिकेटर को थोड़ा सा आप देखोगे तो अप ट्रेंड जो है वो डाउन पे है, और डाउन ट्रेंड भी डाउन पे है। ऐसी सिचुएशन में जो आपका चांसेस है ट्रेड के, वो अप ज़्यादा के चांसेस रहते हैं, ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यार इससे पहले ना, अब आप देखोगे मेरा जो बैलेंस है वो $15,000 था, बट अभी $8,000 आपको दिख रहा है। तो देखो कितना बड़ा लॉस है यहाँ पे, क्योंकि मैं जो है नई नई स्ट्रैटेजीज यूज़ करता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ ऐसा मिले जिससे कि आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सके ट्रेडिंग में, और ज़्यादा आसानी हो सके, चाहे वो मल्टीपल स्टेप्स पे हो, चाहे किसी भी हद तक हो, कुछ भी हो। तो इस वजह से ना लॉसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। और लॉस इस तरीके से होते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस भी हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे ऐसे इन्वेस्ट, ऐसा पैसा मत इन्वेस्ट करो जैसा आपका घर का कोई पैसा हो, या किसी फ्रेंड से लेके बोरो करके आप यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे वही पैसा इन्वेस्ट करो जो कि आपका बचाया हुआ पैसा है, या फिर कुछ बहुत ही, और हमेशा मैं आपको कहूँगा यहाँ पे छोटी इन्वेस्टमेंट करो, बड़ी इन्वेस्टमेंट आप मत करो। सीखने में ज़्यादा टाइम दो, ना कि यहाँ से पैसा कमाने में। अगर आप सीखोगे ना चीज़ें, तो आप कभी कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप उसको आंसर करने लायक होगे, और आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सीखते सीखते आप अच्छा कुछ कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि एक दिन में यहाँ पे पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखना, एक दिन में यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। पहली ट्रेड जो है वो हम विन कर गए हैं। अब थोड़ा सा अरुण पे ध्यान देते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पेज को, एंड देन विल
गो फॉर दी नेक्स्ट ट्रेड, थोड़ा जल्दी जल्दी ही फिनिश करेंगे आज की ट्रेड्स को. एक ट्रेड हमने ले ली है, नेक्स्ट ट्रेड जो है मैं अभी अनेबल कर देता हूँ. हमारे रिस्क फ्री ट्रेड यानी रिस्क फ्री ट्रेड नंबर टू अभी मैंने लगा दी है. एंड अभी देखो, अब देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया कितने सारे चेंजेस हो गए यहाँ पे. और अभी देखो मैं यहाँ पे बिट, अच्छा यहाँ पे करेंसी भी चेंज हो गई है रिफ्रेश के साथ. ओके, तो अभी मैं फिर से बिटकॉइन को यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ. एंड बिटकॉइन में फिलहाल जो है यहाँ पे कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अप और डाउन दोनों ही डाउन ट्रेंड पे हैं. तो यार ऊपर जाने के चांसेस ऐसे केस में रहते हैं. तो मैंने ऊपर के लिए ट्रेड ले ली है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है $100 की. ठीक है, ठीक है. एंड ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारी बातों को. वो ये कि दोस्तों क्योंकि यार वो कमेंट्स जब मैं देखता हूँ ना, सीरियसली मैं अच्छा फील नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम मेरे कोई भी व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो किसी भी तरीके से यहाँ पे लॉस में जाए, पैसा गवा के चले जाए. ये जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे व्यूज़ हैं, मेरे थॉट्स हैं. आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो आप यूज़ करो, नहीं अच्छी लगे तो आप मत यूज़ करो. लेकिन यहाँ पे अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो, सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट करो जो आपका ऐसा पैसा है जो आपको खोने का डर नहीं. सपोज़ कि आपके पास 500 रुपये भी पड़े, ठीक है, आपको पता है कि आप 500 रुपये 2-4 दिन में ऐसे ही वेस्ट कर दोगे, इन्वेस्ट करके इधर उधर खर्च कर दोगे, तो आप यहाँ पे सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करो जो आपको, जैसे आप 500 रुपये हैं, आपको पता है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही वेस्ट कर दूंगा तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, तो आप इस तरीके का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप कभी ऐसा मत करना कि घर से लेके बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर दी एंड देन आप जो है लॉस में चले गए, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करना है. तो देखो ये जो ट्रेड है हम हार गए हैं और रिस्क फ्री ट्रेड थी, इसलिए हमारे अकाउंट से कोई भी डॉलर यानी कुछ भी पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है. ठीक है, तो अब हम करेंसी चेंज कर लेते हैं. देखो यार मार्केट तो है वो अप ट्रेंड पे ही है. ठीक है, मतलब डाउन ट्रेड आपको देखो पिछले 3 कैंडल से दिख रहा है, लेकिन अगर 1 मिनट की बात करते हैं तो ठीक ठाक अप ट्रेंड पे मार्केट आपको दिखने को मिलेगा. लेकिन अभी डैश पे ट्रेड लेते हैं. आज जो है सुबह मार्केट डैश पे बहुत अच्छा चल रहा था, तो अब यहाँ पे मैंने अप ट्रेंड ले लिया है, अपवर्ड के लिए मैंने ट्रेड ले ली है. आपको ना धीरे धीरे यार रून इंडिकेटर समझ आने लग गएगा, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी. देखो अप ट्रेंड यहाँ पे डाउन पे चल रहा है और डाउन ट्रेंड अप पे चल रहा है, तो इस केस में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट अप रहे. ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बता भी दूंगा स्पेशली एक वीडियो बना के, कि किस किस केसेस में अरुण इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है मार्केट को कि क्या होने वाला है. ठीक है, ऐसा मतलब लगभग 10 में से 8 केसेस में ये जो स्ट्रैटेजी है वर्क कर जाती है, जब बाकी जो केसेस हैं 2 केसेस हैं उसमें नहीं वर्क करती है. जैसे कि आपने लास्ट केस में देखा वर्क नहीं की. ठीक है, तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. ट्रेड जो है ये सारी चीज़ें यार होती रहेंगी, ट्रेड होती रहेंगी यार. लेकिन आज का जो है ना एक सीरियस इशू है, इशू यही है कि आप यहाँ पे सीखने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, ना कि पैसा कमाने में. पैसा हो जाएगा यार, कमा लोगे, लेकिन अगर आप सीखने, आपके पास कोई अगर नॉलेज आ गई ना, तो वो ज़्यादा प्रीशियस होगी मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वही मैं चीज़ आपको कहना चाहता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से ही. रिस्क फ्री ट्रेड हम ज़रूर ले रहे हैं, 2-3 रिस्क फ्री ट्रेड अभी हम ले चुके हैं, इसमें से 2 विन की हैं हमने, 1 लॉस की है. चलिए अभी नेक्स्ट ट्रेड पे आते हैं. तो थोड़ा सा कैंडल को देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल का क्या बिहेव रहता है, देन विल गो फॉर द सेम डायरेक्शन. तो अभी हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल मिली थी. और नीचे देखो, अब अगर अब यहाँ पे देखोगे अप ट्रेंड भी अप पे है और डाउन ट्रेंड डाउन पे है. इस केस में भी मार्केट जो है थोड़ा सा अप रहने के चांसेस है, यानी न्यूट्रल रहता है इस केस में. इस केस में हम कह सकते हैं न्यूट्रल मार्केट रहेगा. अब डिपेंड करता है मार्केट के फ्लक्चुएशंस पे कि किस तरीके से मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं. अगर ज़्यादा होंगे तो हम हार जाएंगे, अगर अच्छे फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, मतलब अगर स्टेबल होगी करेंसी, तो हम यहाँ पे विन करने के हमारे चांसेस हैं. ठीक है, अभी हमारे पास 29 सेकेंड्स हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है फॉर दी नेक्स्ट ट्रेड. देखते हैं कि क्या होता है. अभी हमारे पास 21 सेकेंड्स हैं, अभी हम थोड़े से प्रॉफिट में हैं ज़रूर लगता है. लेकिन यार देखो, अब देखो कितने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, जीतने के चांसेस बहुत कम है यहाँ से. हाँ, मैंने यहाँ पे रिस्क फ्री ट्रेड एक्टिवेट नहीं की थी, तो यहाँ पे हो गया है हमारा $100 का लॉस एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिस्क फ्री ट्रेड एक्टिवेट नहीं की थी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो अभी मैंने यह रिस्क फ्री ट्रेड एक्टिवेट कर दी है एंड देन विल गो फॉर दी सेम डायरेक्शन. तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, अप ट्रेंड, और ये भी नीचे की तरफ है. ठीक है, तो इस केस में मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है. ये सारे जो केसेस है ना अरुण इंडिकेटर के, सारे मैं डिस्कस करूँगा. ये हमारी ट्रेड नंबर 4 है. ठीक है, ट्रेड नंबर 4 है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी, हमने जैसे ये जो ट्रेड है डैश की, इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल, क्योंकि ये विदाउट रिस्क फ्री ट्रेड थी. बट अगर रिस्क फ्री ट्रेड की बात करते हैं, तो हम पहली ट्रेड जो है विन करे थे, सेकंड ट्रेड ड्रॉ थी, थर्ड विन थी, एंड फोर्थ जो है वो भी विनिंग कंडीशन में ही है फिलहाल. लेट्स सी,
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा यार, अच्छा खासी जो स्ट्रेटजी है वर्क कर जाती है अगर आप अच्छा खासा दिमाग लगाओ तो, क्योंकि ये इंडिकेटर बहुत प्यारा है। ठीक है, इंडिकेटर बहुत प्यारा है ये, लेकिन इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप समझ में आ गया ये इंडिकेटर तो ठीक है। अब आप ना यार ब्लाइंडली पैसा यहाँ पे मत इन्वेस्ट करना कभी भी। ठीक है, ये चीज़ आपका ध्यान रखनी है आपको हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना हमको सीखना है, बर्बाद नहीं होना है। और बहुत लोग यहाँ पे बर्बाद भी हो जाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं कि बर्बाद नहीं होते, बहुत लोग हैं जो यहाँ पे पैसा खो देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से एक बनो, आप यहाँ पे मेरे व्यूअर हो। ठीक है, तो यार बस इतना कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे पैसा ज़्यादा मत इन्वेस्ट करना। द कंडीशन, टू कंडीशंस हैं, पहला पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, दूसरा ऐसा पैसा मत इन्वेस्ट करो जो कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर में जाके। ठीक है, तीसरा सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो, पैसे पे नहीं, इन्वेस्टमेंट पे नहीं, लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दो आप। ठीक है, तो अब मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। इन्वेस्टमेंट है हमारी $100। ठीक है, ठीक है, एंड देन गो फॉर, अभी हमारे पास टाइमिंग तो काफ़ी है, नेक्स्ट कैंडल बनेगी उस पर सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करेंगी। अभी 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट कैंडल। रेड कलर की कैंडल बनी है हल्की सी, तो अच्छा ही है हमारे लिए। अगर रेड कलर की कैंडल बनती है तो अच्छा ही है। तो अबाउट माई प्रिडिक्शन, और मेरा प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो मैंने यही सोचा था कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड कलर की बनेगी और ये ट्रेड हमारे विन करने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो हमने अभी तक कितनी रिस्क फ्री ट्रेड ले ली है, 1, 2, 3, 4, और ये फिफ्थ रिस्क फ्री ट्रेड है हमारी। और दैट अगेन जो है मैंने वही गलती की, रिस्क फ्री ट्रेड एक्टिव नहीं की। और यार अब बातें करते करते ना मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कई बार कि भूल जाता हूँ कि जो है एक्टिवेट करना भी होता है रिस्क फ्री ट्रेड को। बार बार ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ तो, और इसी चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम जीत गए हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन अभी रिस्क फ्री ट्रेड बाकी है हमारी, हमने सिर्फ 4 रिस्क फ्री ट्रेड ली, आई थिंक 1, 2, 3, हाँ लगभग लगभग 4 रिस्क फ्री ट्रेड ली है। हमारे पास अभी 3 रिस्क फ्री ट्रेड और बाकी हैं, सॉरी हमने सिर्फ 3 रिस्क फ्री ट्रेड ली है, हमारे पास 4 रिस्क फ्री ट्रेड और बाकी हैं अभी। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ सिचुएशन को एंड ओके, तो अभी बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे को डाउन जाने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर दिया $100 की ट्रेड। ठीक है, देखो ये देखो यार, अगर ये ऊपर हिट कर जाता है ना टॉप लेवल पे, अगर डाउन ट्रेंड एकदम टॉप लेवल पे हिट कर गया ना, तो इसका मतलब चांसेस होते हैं मार्केट के डाउन जाने के। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बाकी यार उम्मीद करूँगा लाइक आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, चैनल पे आप इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन यार एक चीज़, अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो ना तो टेक्निकल अवी, #TechnicalAvi यूज़ करना ज़रूर कमेंट में, एंड अपने विचार ज़रूर बताना यार #TechnicalAvi के सामने। आप ज़रूर लिखना कि आपको क्या लगता है अबाउट इम्प्रूवमेंट, अबाउट फीडबैक, एनीथिंग। आपका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ताकि आगे चल के ना इम्प्रूव हो सके। कौन से पार्ट्स हैं, अगर आपको सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट पे पार्ट अच्छे लगते हैं, आप कोई नई स्ट्रैटजी पे अच्छे लगते हैं, कोई अपडेट्स पे अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ना शेयर कर सकते हैं अबाउट फीडबैक। तो वो चीज़ें ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और आपकी ही कमेंट से मैं इम्प्रूव करके वो चीज़ें ना अपने जो है ला सकता हूँ चैनल पर। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं किस डायरेक्शन में सही रहेगी। अभी भी जो है टॉप लेवल पे हिट है, तो मैं डायरेक्शन जो है सेम रखूँगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। हमारा डायरेक्शन सेम है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने ट्रेड ली है। और इस बार लगता है, अरे यार ये देख रहे हो आप, ये आगे से मुड़ गया है। और मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था स्टेबल ही रहेगा, जब तक स्टेबल रहेगा तब तक तो ठीक है। लेकिन अब वो चेंज हो, जैसे ही वो चेंज हुआ था वहीं पर ये आपने इतना बड़ा गैप दे दिया है कैंडल पे, और ये गैप बहुत परेशान करेगा भैया। $36, 36 टाइम, 36 सेकंड्स का भी हमारे पास टाइम है, और इस गैप ने बहुत परेशान कर दिया है। इतना बड़ा गैप जो हो गया है कैंडल के बीच में, ऑफ कोर्स वो मार्केट जो है वो तो डाउन ट्रेंड पे ही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी डेफिनेटली। तो अभी मैं एक जो ट्रेड है वो वापस एक्टिवेट कर देता हूँ रिस्क फ्री, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। आप लोग कहते हैं कि रिस्क फ्री ट्रेड आप कैसे ले सकते हो, तो यार रिस्क फ्री ट्रेड आपको इजीली नहीं मिलती है। या तो आपको देखो ये कॉम्पिटिशन्स हैं, यानी कि ये अनक्लेम रिवॉर्ड्स हैं, इनको कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि तो अभी एनिवर्सरी का प्रोग्राम चल रहा था इनका ओलिम ट्रेड का,
और या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरी जो है सिंपल है चीज़ें, वो ये कि आप $1,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ आप जा सकते हैं, तो आपको रिस्क रिटर्न मिलती रहेंगी। अब लोग कहते हैं कि हर मंथ मिलेंगी आपको या कितनी मिलेंगी, यार ये चीज़ें फिक्स नहीं है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में अगर $1,000 पे जाते हो तो आपको शायद 15 के आसपास रिस्क रिटर्न मिलती हैं बस, उसके बाद या 15 या कम भी मिल जाती हैं, वो डिपेंड करता है यार। ठीक है, तो आपको उतनी ही ट्रेड मिलती है। ठीक है, अभी मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है, इन्वेस्टमेंट है हमारी $100। ठीक है, तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे रिस्क फ्री ट्रेड का कोई फिक्स हिसाब नहीं है, जैसा कि आप सोचते हो कि एकदम फिक्स है कि हमें कितनी मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन यार मैं अभी भी वही चीज़ कह रहा हूँ कि यार प्लीज़ 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 प्लीज, वो पैसा यहाँ पर मत इन्वेस्ट करो जिससे आपको नुकसान होता है, क्योंकि यार आप लोगों के कमेंट देख के मुझे बहुत दुख होता है, सीरियसली बहुत दुख होता है। मुझे नहीं पता वो कमेंट सच होते हैं या झूठ होते हैं, लेकिन आप अगर कमेंट करते हो कि सर मैंने इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, मैंने पापा से लिया था, भैया से लिया था, ये किया था वो किया था, तो यार क्यों आप किसी और का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, किसी से भी बोरो करके क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हो, मत करो यार दोस्तों मत करो। यहाँ पे ये ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे अगर आप खोओगे तो सारा जाएगा, आएगा तो बहुत ही कम, तो इसी वजह से आपको ये देखो ये ट्रेड जो है हम हार गए हैं। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे एक कोण बना ना, आपने देखो ये कोण बन रहा होगा, इस कोण की वजह से यहाँ पे चेंजेस हुए एंड वी लॉस दिस ट्रेड। तो फॉर द नेक्स्ट ट्रेड हमारे पास सिर्फ एक ट्रेड बची है रिस्क फ्री, इसको एक्टिवेट कर देते हैं एंड लेट्स सी। जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसको फिक्स कर दिया है, हमारे पास सिर्फ एक ट्रेड बची है रिस्क फ्री, देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी अगर बात करते हैं टोटल ट्रेड्स की, तो यहाँ पे रिस्क फ्री की बात करते हैं तो लास्ट टू ट्रेड्स जो है हम लॉस गए हैं, एक पहले भी शायद लॉस में गए थे, तो 7 में से 3 तो लॉस में जा चुके हैं, यानी अभी तो 3 लॉस और 3 विन पे हैं अभी हमें, और दिस इज़ द फाइनल ट्रेड दैट वी हैव 7th। ओके, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, और बाकी आज सैटरडे का मार्केट है, तो दैट्स वाई अगर बाकी दिनों पे मार्केट पे ट्रेड लेते हैं तो अच्छा वर्कआउट कर जाती है चीज़ें, बट सैटरडे के मार्केट पे आप जो है इन्वेस्ट थोड़ा कम ही करना, क्योंकि ऐसे ही रहता है यार सिचुएशन। देखो ये वाली ट्रेड भी लगभग लगभग लॉस में गई, लेकिन एक चीज़ देखनी चाहिए आपको, जो रिस्क फ्री ट्रेड होते हैं वहाँ पे हमारा पैसा डिडक्ट नहीं होता अकाउंट से। देखो यहाँ पे $100 है ना, तो $100 वापस हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं सिचुएशन वाइज, क्योंकि अगर हम हार जाते हैं तो भी हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो हमने जो है 7 की 7 रिस्क फ्री ट्रेड ले ली है, तो 4 लॉस 3 विन, क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं रही आज के दिन, आई एग्री, बट रिस्क फ्री ट्रेड्स थी तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, बाकी इंडिकेटर वर्किंग फाइन, आज का जो मार्केट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जब भी आपको लगे मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको वहीं पर स्टॉप हो जाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने कमिट कर दिया था कि वीडियो में 7 जो है ट्रेड्स में लेने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया, अदरवाइज जो फर्स्ट लॉस हुआ था मुझे वहीं पे स्टॉप कर जाना चाहिए था। ओके, सो गाइज उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आई होगी, जो बात मैंने समझाई डेफिनेटली वो आप तक पहुँच गई होगी, और आज के बाद इस तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं करोगे। अगर ये वीडियो आपने देखी है तो डेफिनेटली फिर तो आप डेफिनेटली इस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, आप अपने पैसे से इन्वेस्ट करो, वेलकम है, लेकिन किसी और के पैसे से आप इन्वेस्ट मत करो। चलिए गाइज यार मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करके जाना यार वीडियो को, इतनी देख लिए तो एक लाइक तो बनता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर बिल्कुल नए हो चैनल पे, इस वीडियो को यार शेयर करते रहना, क्योंकि शेयर करने हैं जितनी आगे तक ये बातें पहुँचती हैं ना उतना ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचेगी और उतने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। चलिए गाइज मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ।